Hello friends, welcome to my YouTube channel. Kindly like, subscribe and share my channel and hit the bell icon to get the latest updates. In today's video, we will learn about UAN. Aaj hum UAN ke baare mein janenge. UAN means Universal Account Number, which is generated by EPF Department of India. Ye jo UAN number hai, वो ईपीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा उस हर एम्प्लॉय के लिए जनरेट किया जाता है जिसका पीएफ डिडक्शन हो रहा है। इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को आपको ओपन करना होगा। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहां से आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। ये इस वेबसाइट का होम पेज है, यहां से आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले यूएएन का यूज क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो यूएएन का जो यूज है वो ये है कि यूएएन से आप यूएएन पोर्टल पे लॉग इन कर सकते हो, आपका जो केवाईसी डिटेल्स है उसे आप ऐड और अपडेट कर सकते हो, आप नॉमिनेशन ऐड कर सकते हो और यूएएन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही इसका जो मेन यूज है वो है कि आप आपका ईपीएफ बैलेंस चेक करना, और ईपीएफ से आप एडवांस में या विड्रॉवल करना चाहते हो, या तो आपकी सर्विस के रिटायरमेंट के बाद या जब सर्विस लेफ्ट कर देते हो तब आप जब ईपीएफ से मनी विड्रॉ करना चाहोगे तो आप खुद इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो। तो ये यूएएन का मेन यूज है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपके पास यूएएन नंबर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास यूएएन नंबर नहीं है तो कृपया आप आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, उसके पश्चात ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। आपको सबसे पहले आपका जो यूएएन नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना होगा, जो 12 डिजिट का होता है। उसके बाद आप यहां पे आपका पासवर्ड एंटर कीजिए और उसके बाद में यहां पे जो कैप्चा कोड दिया गया है आपको उसे एंटर करना होगा और उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप आएगा, उसे आप लेटर पे क्लिक करके हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंबर प्रोफाइल आपके सामने डैशबोर्ड पर शो हो रहा है, जहाँ मेंबर का यूएएन नंबर, मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो हो रही है। अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपकी ये जो भी डिटेल्स है, जैसे कि अगर आधार या पैन या बैंक अकाउंट नंबर या ईमेल आईडी, इनमें से कोई भी डिटेल अगर उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं की होगी तो वो यहाँ पर आपको ब्लैंक शो होगी, यहाँ पे लिखा आएगा नॉट अवेलेबल। तो उस स्थिति में आपको आप खुद भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है व्यू मेनू, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोफाइल। आप प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे एम्प्लॉई का फोटो, उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उसकी सारी जानकारी आप देख सकते हो यहाँ पे दी गई है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका फोटो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे वो ब्लैंक होगा, तो आप यहाँ से ऐड फोटो या चेंज फोटो पर क्लिक करके यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जहाँ पर वो फोटो स्टोर है उस फोटो को आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप ओपन करेंगे और उसके बाद नीचे से यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। तो यहाँ से आप फोटो अपलोड कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। वापस प्रोफाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आपकी यहाँ पे कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा नॉट अवेलेबल। अगर आप इनमें से किसी भी डिटेल को ऐड करना चाहते हो या कोई डिटेल में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो जो पेंसिल टूल आपको दिखाई दे रहा है
आप उस पर क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, जैसे क्वालिफिकेशन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये मेनू खुल गया है। क्वालिफिकेशन चेंज करने के लिए आप चेंज क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और गेट ऑथोराइजेशन पिन पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ये आपसे कन्फर्मेशन वापस पूछेगा, आप कन्फर्मेशन में यस क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक पिन आएगा, वो पिन आपको यहाँ पे 4 डिजिट का जो आया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ही वो अपडेट करेगा। जैसे यहाँ पे मुझे एक पिन प्राप्त हुआ है, मैं यहाँ पिन एंटर करूँगा और सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसी तरह से आप आपका मैरिटल स्टेटस, सैल्यूटेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस इसी प्रोसेस से अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू मेनू के अंदर यूएएन कार्ड। यहाँ से आप आपका यूएएन कार्ड है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर से यहाँ पे लिखा है डाउनलोड, आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है केवाईसी। जैसे ही आप केवाईसी पे क्लिक करेंगे आपके सामने यह मेनू खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉय के तीनों डॉक्यूमेंट यानी कि पैन, आधार और बैंक डिटेल वेबसाइट पर अपलोड प्रॉपरली हुए हैं और अप्रूव भी हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्टेटस पे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूव, तीनों डॉक्यूमेंट में अप्रूव लिखा हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होते तो ये डॉक्यूमेंट इस मेनू में जहाँ पे करंटली एक्टिव केवाईसी में ये शो नहीं होते। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपके इन तीन डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया वेबसाइट पे, तो इस स्थिति में आप खुद भी इस डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हो। अब इस डॉक्यूमेंट को ऐड करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपकी ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है और अप्रूव नहीं है तो फ्यूचर में जब भी आपको पीएफ डिपार्टमेंट से पैसे विड्रॉ करने होंगे, चाहे तो एडवांस के तौर पे, चाहे आपने सर्विस लेफ्ट कर दी हो उस स्थिति में, या तो आपके सर्विस कंप्लीट होने के बाद रिटायरमेंट के बाद अगर आपको मनी विड्रॉ करना है, उस वक्त अगर आपके ये तीन डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या अपलोड नहीं होंगे तो आप विड्रॉवल नहीं कर पाओगे जब तक आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करते हो। इसके लिए हम देखेंगे कि हम किस तरह से बैंक डिटेल, पैन कार्ड या आधार हम खुद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ लिखा आ रहा है क्लिक ऑन केवाईसी डॉक्यूमेंट टू ऐड। हम बैंक पे क्लिक करेंगे। बैंक के पर क्लिक करते ही हमें ये मेनू दिखाई देगा, यहाँ पे नेम एज पर बैंक अकाउंट, उसके बाद बैंक का जो आपका अकाउंट नंबर है दो बार यहाँ एंटर करना है, आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पैन पे। जैसे ही हम पैन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेनू खुल जाएगा, नेम एज पर पैन और पैन नंबर, 10 डिजिट का पैन नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और सेव होते ही आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपको आधार डिटेल ऐड करना है तो आप आधार पर क्लिक करेंगे। आधार पर क्लिक करते ही ये मेनू खुल जाएगा, नेम एज पर आधार और आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है और सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इन तीन में से चाहे पैन, आधार या बैंक डिटेल जैसे ही ऐड करेंगे, उसके बाद ये तीनों डॉक्यूमेंट या अगर जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर ऐड किया है वो नीचे की तरफ जहाँ पे यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिख रहा है वहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल में अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड नहीं किया। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करोगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर स्टेटस में यहाँ पे शो होगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। पेंडिंग फॉर अप्रूवल यहाँ पर शो होगा जैसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट ऐड करोगे। उसके बाद आपको आपको आपके एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करना है और उन्हें बोलना है कि वो इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करें। जब तक वो वहाँ से अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपका ये डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा और अगर 90 डेज का समय बीत जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ से इसे अपडेट कर देंगे वापिस ऊपर की तरफ जहाँ पे ये केवाईसी करंटली एक्टिव डिटेल्स आई वहाँ पर वो शो होने लग जाएगा। जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगा वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा।
तो इस तरह से आप केवाईसी डिटेल ऐड कर सकते हो और उसे अप्रूवल करने के बाद यहाँ पर आप इसे देख पाओगे। इसके बाद हम मैनेज में जाके देखेंगे ई नॉमिनेशन। आपके सामने ये फ्रंट खुल जाएगा, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से फ्रंट खुल जाएगा। आप यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करेंगे, ऐड रो पर ही क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का फ्रंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको जिसको नॉमिनी में ऐड करना है उसका आधार नंबर, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन और एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, सिटी टाइप करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसका बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर ऐड करना होगा और साथ में आप यहाँ से उसका फोटो भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप इस डिटेल्स को ऐड करोगे उसके बाद आपको सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव कर दोगे इस तरह से आपके सामने डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको शो करना है यहाँ पर कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर आप कितना देना चाहते हैं, 50% या 100%। मतलब अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके बाद आपका ये जो पीएफ का पैसा है वो किसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर 100% करेंगे तो 100% मिल जाएगा। अगर आपने दो या तीन मेंबर ऐड कर रखे हैं तो यहाँ पे आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक मेंबर के लिए 50%, दूसरे के लिए 50%। इस तरह से आप इसमें सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पे क्लिक करके नॉमिनेशन को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विड्रॉवल कैसे करें। तो ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम पर क्लिक करना होगा। क्लेम पर क्लिक करते ही आपके सामने ये फ्रंट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका जो बैंक का जो नंबर है, अकाउंट नंबर जो आपने ईपीएफ वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, ऐड कर रखा है, वही सेम अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पर इसे एंटर करेंगे उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपसे सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग मांगा जाएगा, जिस पे आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से फ्रंट आ जाएगा। अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते ही आपसे यहाँ पूछेगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर पे आपको ओपन करना है और सिलेक्ट करना है पीएफ एडवांस। पीएफ एडवांस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप पीएफ एडवांस पे क्लिक करेंगे नीचे और भी पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको सर्विस सिलेक्ट करना है, आपका पीएफ नंबर और एम्प्लॉयर का डिटेल यहाँ शो हो जाएगा कि किस रीजन से आप विड्रॉल करना चाहते हो, नेचुरल कैलामिटीज़ और मैरिज के लिए या हायर एजुकेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, जो भी आप रीज़न सिलेक्ट करना चाहते हो, और कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपको विड्रॉल करना है वो अमाउंट यहाँ डालना है। आपका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके अलावा आपको आपका पिन कोड भी एंटर करना है और लास्ट में आपके चेकबुक या पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी आपको यहाँ पे जेपीजी फाइल बनाकर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई एम अप्लाइंग और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका जो आधार है, जिससे जो नंबर रजिस्टर्ड है, उस नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा और 2 या 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें। तो व्यू मेनू में जाएंगे और पासबुक पर क्लिक करेंगे। पासबुक पर क्लिक करते ही एक नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम आपका यूएएन नंबर जो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपका पासवर्ड आपको यहाँ एंटर करना होगा और यहाँ पर जो कैप्चा में आपको जो पूछा गया है उसका आंसर फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको आपका नाम, आपका यूएएन नंबर और पैन नंबर शो हो जाएगा। यहाँ से आप आपका पीएफ नंबर सिलेक्ट करेंगे और व्यू पासबुक फुल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आपकी पूरी पासबुक यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ से आप पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आपका यूएएन का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।
होप इस वीडियो से आपको UAN की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं आपके साथ नए वीडियो शेयर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।